हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है छापा कला की अगली टेक्निक है समतल सतह प्रणाली, या ओलियोग्राफी भी बोलते हैं इसको, या फिर प्लेनोग्राफी भी बोलते हैं, और इसको अन्य नामों से शिला मुद्रण या अस्म मुद्रण भी इसको बोला जाता है। इतने सारे इसके नाम है। लास्ट क्लास में हमने जो आपको बताया था उसमें बताया था इंटेंग्लियो मेथड के बारे में। तो अभी आप डालेंगे इसमें समतल सतह प्रणाली, समतल सतह प्रणाली। इसके और भी अन्य नाम लिख ली, जैसे कि शिला मुद्रण भी बोलते हैं इसको। अश्म मुद्रण और देखिए इसी में साथ ही इसको बोलते हैं प्लेनोग्राफी, प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी और लिथोग्राफी। देखिए ये जो समतल सतह प्रणाली की जो प्लेट होती है ना, इसमें ना तो प्लेट को गहराई से खोदा जाता है, ना ही जो प्लेट पर आकृतियां बनती हैं उनको उभारा जाता है। इसमें जो जैसे कि ये प्लेट है, देखिए ये प्लेट बना दी हमने इसकी, तो इसमें जो ये प्लेट है ना, इसकी जो सतह होती है समतल होती है। तो इसकी प्लेट जो होती है ना, इसकी प्लेट को ना ही तो खोदा जाता है, हाँ, और ना ही जो इस पे जो आकृतियां बनती हैं उनको उभारा जाता है। तो जो इसकी जो प्लेट होती है वो समतल प्लेट होती है, और किसकी होती है, वो जो प्लेट होती है पत्थर की बनी होती है। और कौन से पत्थर की होती है, बावेरिया पत्थर की, जो कि जर्मन में मिलता है, जर्मनी का पत्थर है वो बावेरिया, जो कि आजकल नहीं मिल पाता है। तो इस प्लेट में जो सबसे ज्यादा चूना पत्थर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है इस प्लेट को बनाने के लिए, चूना पत्थर का सर्वाधिक इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, उस प्लेट पर आकृति को उल्टा बना दिया जाता है। उल्टा बनाने के बाद सीधे छापा ले लिया जाता है। क्या करते हैं, पहले आकृति को इस पर उल्टा बना देंगे, और उसके बाद फिर सीधे तरीके सीधे से इस पर छापा ले लेते हैं। आकृति इस पर भी उल्टी बनती है, जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें इंटेग्लियो मेथड में और रिलीफ मेथड में, और साथ ही आपका ये लिथोग्राफी में, इन सभी टेक्निक में, तीनों में जो भी आकृतियां बनती है सभी उल्टी बनी जाती है, छापे इसमें फिर सीधे ले लिए जाते हैं। तो ये हो गई इसमें। तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि कैसे इसमें छापा लिया जाता है, कि इसमें आकृतियों को उल्टा बना दिया जाता है इसमें, और छापा जो है वो सीधा ले लिया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए, कि लिखिए इस प्लेट में, इसमें प्लेट को न तो गहराई से खोदा जाता है, ना तो गहराई से प्लेट को खोदा जाता है, और ना ही प्लेट को आकृतियों को उभारा जाता है। इसमें जो प्लेट होती है उसकी सतह समतल होती है। कैसी होती है, सतह समतल होती है, और इसमें बावेरिया पत्थर का प्रयोग होता था। लेकिन अब बावेरिया पत्थर नहीं मिलने के कारण, चूना पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक होता है, इसमें आकृतियों को
प्लेट पर उल्टा बनाया जाता है, लेकिन छापा सीधा लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? छापा जो होता है वो सीधा लिया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लीजिए कि जैसे कि इसमें जो पत्थर है वो कहाँ का है, पत्थर का पहले नाम लिख लीजिए, वो है बाबेरिया पत्थर। पेनोग्राफी में जिस पत्थर का यूज होता था पहले, वो था बाबेरिया पत्थर। और ये कहाँ मिलता था? जर्मनी में। अभी जो इसमें यूज हुआ है तो वो होता है चूना पत्थर का प्रयोग। इसी में साथ ही आप लिखेंगे इसकी विधियां। तो एक तो है लिथोग्राफी और ऑफसेट लिथोग्राफी, दो विधियां हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि विधियों को भी बताना है। देखिए, इसके अंतर्गत दो विधियां आती हैं। कौन सी है? पहली है लिथोग्राफी, लिथोग्राफी, और दूसरी है ऑफसेट लिथोग्राफी, ऑफसेट लिथोग्राफी। तो इसकी खोज हुई थी 1748 ईस्वी में। किसमें? 1748। बात करें ऑफसेट लिथोग्राफी की, इसकी हुई थी 1906 ईस्वी में। तो ये हो गई इसकी विधियां, ठीक है? तो ये क्या है? ये इसकी विधियां हैं, लिथोग्राफी और ऑफसेट लिथोग्राफी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टेंसिल। स्टेंसिल नेक्स्ट हेडिंग डालिए। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए स्टेंसिल। देखिए, जो स्टेंसिल होती है ना, वो एक प्लेट होती है। तो क्या करते हैं स्टेंसिल में? स्टेंसिल में क्या करते हैं? हम प्लेट को काट करके अक्षर को निकाल लेते हैं। जैसे स्टेंसिल में उसमें अक्षर बने होते हैं, तो क्या करते हैं? प्लेट को काट करके अक्षर को निकाल लेते हैं। तो हम सीधे क्या करते हैं? अक्षर को छाप देते हैं। और जो हम जब अक्षर को छापते हैं तो आकृति कैसी बनाते हैं? हम सीधी आकृतियां बनती हैं उससे। तो आप लिखेंगे स्टेंसिल। देखिए स्टेंसिल, इसमें क्या करते हैं? स्टेंसिल एक प्लेट होती है, इसमें प्लेट को काट करके अक्षर को निकाल लेते हैं और अक्षर को छाप देते हैं, जिससे कि आकृतियां सीधी बनती हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई प्लेट है, इसमें हमने एक अक्षर बनाया, ये ए। इसमें से क्या करते हैं? इस आकृति को ऐसे काट के हम लोग निकाल लेंगे और प्लेट को काट देते हैं, तो क्या बन जाता है? ए रह जाता है। तो इसको हम छाप लेंगे, तो ये हो गया स्टेंसिल, ठीक है? तो ये हमारा स्टेंसिल हुआ। तो आज के लिए याद दीजिए, जितनी भी तकनीकें हैं आपकी हमने कंप्लीट करा दी। अब हम आपको बारी बारी से जो तकनीकें हैं उन पर डिस्कस करेंगे कि किस तकनीक में कौन कौन से यंत्रों से खोदा जाता था, उन सब के बारे में हम आपसे
डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।